अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ्री एआई टूल्स का इस्तेमाल करके 3 मिनट के अंदर 4 स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी भी किस्म की वीडियो बना सकते हो। आप यूट्यूब के लिए यूट्यूब शॉर्ट्स बना सकते हो, आप यहाँ पर स्टोरी टेलिंग वीडियो बना सकते हो, आप एक न्यूज़ वीडियो बना सकते हो, आप इंस्टाग्राम के लिए रील्स बना सकते हो या फिर आप फेसबुक के लिए रील्स बना सकते हो। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको इससे पिछली वीडियो के अंदर सिखा दिया है आपने कैसे फ्री एआई टूल्स का इस्तेमाल करके वीडियोस बनानी है। ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक मौजूद है, जाएं उस वीडियो पे और सीख लें एआई टूल्स का इस्तेमाल करके फ्री में 3 मिनट के अंदर वीडियोस बनाना। अब आपने वीडियो तो बना ली, आपने सीख भी लिया, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसी वीडियोस मोनेटाइज होती हैं या मोनेटाइज नहीं होती। इस वीडियो के अंदर मैं आपके इसी सवाल का जवाब देने वाला हूं। मेरा नाम है उस्मान रशीद और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल उस्मान टीवी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम YouTube पर जब भी कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो हमारी वीडियो के अंदर YouTube ये देखता है कि कितना एफर्ट हमारा अपना है, यानी वीडियो के अंदर कितना हिस्सा हमने खुद बनाया है और कितना हमने बाहर से उठाया है। अगर ज़्यादा हिस्सा हमारा अपना है तो हमारी वो वीडियो मोनेटाइज होती है, और अगर हमने बाहर से ज़्यादा हिस्सा उठाया है, अपनी वीडियो के अंदर बाहर का कंटेंट शामिल किया है, तो वो वीडियो हमारी मोनेटाइज नहीं होती। यही चीज़ अप्लाई होगी एआई टूल्स से बनी वीडियो पर। अगर मैं अपनी वीडियो की मिसाल दूं तो यहाँ पर मैं खुद मौजूद हूँ, मैंने अपने ही कैमरे से अपनी वीडियो रिकॉर्ड की है, यानी ग्राफिकल कंटेंट मेरा अपना हुआ। यहाँ पर दूसरा हिस्सा है मेरी आवाज़, मैंने अपने ही माइक से अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड किया है। तो दोनों चीज़ें यानी 100% कंटेंट मेरा अपना है, इसलिए मेरी ये वीडियो मोनेटाइज हो जाएगी और मैं अपनी इस वीडियो से पैसे कमा सकता हूँ। अगर हम बात करें एआई टूल्स से बनी वीडियो की, तो उस वीडियो के अंदर अगर हमने करेक्टर एआई टूल से बनाया है और हमने एआई वॉइस उसके अंदर शामिल की है, तो साफ बात है कि हमने 100% कंटेंट बाहर से लिया है, इसलिए हमारी वो वीडियो मोनेटाइज नहीं होगी। अगर हम इसमें एआई टूल्स से अपना करेक्टर बनाएं और वहां हम अपनी आवाज़ खुद की शामिल करें, तो इस तरह से हम 50-50% पर आ जाएंगे। यहां पर YouTube का कहना है कि आपके पास 50% चांस मौजूद है कि आपकी वीडियो से आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, और 50% ही आपके पास चांस मौजूद है कि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। यानी YouTube ने यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी कि आप अपनी वीडियो को मोनेटाइज करवा भी सकते हो और हम यानी YouTube आपकी वीडियो से आपके चैनल को मोनेटाइज नहीं भी कर सकता। यानी यहाँ पर YouTube ने कोई क्लियर जवाब नहीं दिया। हाँ, अगर YouTube की हम पॉलिसी की बात करें तो YouTube ने अपनी किसी पॉलिसी के अंदर ये नहीं लिखा कि अगर आप AI टूल्स से वॉइस ऐड करोगे या आप AI टूल्स से कोई करेक्टर ऐड करोगे तो हम आपकी वीडियो को या आपके चैनल को मोनेटाइज नहीं करेंगे। YouTube ने इस हवाले से कोई क्लियर जवाब नहीं दिया। दोस्तों, मैंने एक फैसला किया है, चूंकि YouTube ने यहाँ हमें कोई क्लियर जवाब नहीं दिया कि हमारी ऐसी वीडियोस मोनेटाइज होंगी या नहीं होंगी, तो हम तजर्बा करके देखते हैं। मैं एक चैनल बनाता हूँ, उस चैनल पर मैं AI टूल्स की मदद से दो तरह की वीडियोस बनाऊंगा। एक वीडियो वो बनाऊंगा जिसके अंदर ओवरऑल कंटेंट एआई टूल्स से उठाऊंगा, और दूसरी वो वीडियोस बनाऊंगा जिसके अंदर करेक्टर तो उठाऊंगा एआई टूल्स से, लेकिन उस वीडियो के अंदर वॉइस अपनी ओरिजिनल शामिल करूंगा। ये दोनों तरह की वीडियोस चैनल पर बनाकर अपलोड करूंगा, फिर देखूंगा यूट्यूब की जानिब से कोई इशू क्रिएट होता है या नहीं होता, हमारी वीडियो स्मूथली चल जाती है, और बाद में क्या हम अपनी इन वीडियोस की बेस पर चैनल को मोनेटाइज करवा पाते हैं या नहीं। ये चीज़ मैं प्रैक्टिकल कर लूँ, फिर आपके साथ ये मैं ज़रूर शेयर करूँगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो से इतना ही, मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।